वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इसके अतिरिक्त आपकी दूसरी क्वेरी आती है बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड। बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चा सारी चीज़ों की तरफ ध्यान जरूर देता है लेकिन पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं देता। तो इसके लिए आप अपने घर को चेक करिए, बच्चा कौन सी एनर्जी फील्ड पर या कौन सी डायरेक्शन में बैठकर पढ़ता है। यदि बच्चा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बैठकर पढ़ता है तो फिर वो पढ़ाई नहीं करेगा, बाकी सारी चीज़ें वो करेगा, सब तरफ उसका ध्यान जाएगा लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाएगा। तो आप इसको चेक करिए कि बच्चा किस जगह बैठकर पढ़ रहा है। अगर वहाँ बैठकर पढ़ रहा है तो उसको वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करिए, दूसरी जगह बिठाकर उसको पढ़ाई के लिए बिठाइए। दूसरी बच्चे की ही आपकी प्रॉब्लम है कि बच्चे का ध्यान दूसरी तरफ ज़्यादा जाता है, मोबाइल में इत्यादि में। तो एक काम करिए, ये पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसको भी आपने बड़ा पसंद किया था, एक छोटा सा कैमरा ले जाकर आप वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में प्लेस कर दीजिए। ये रेमेडी बड़ी इफ़ेक्टिव है, ये बच्चा आपकी बात मानेगा और स्पेशल टीचर्स के लिए भी है क्योंकि बच्चे टीचर की बात सबसे ज़्यादा मानते हैं। कैमरा ले जाकर आप वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए, बच्चा आपकी भी बात मानेगा और टीचर की बात भी मानेगा। तो लीजिए, दो जो आपकी प्रॉब्लम थी बड़ी वो सॉल्व हो गई है। इसके बाद आपके घर के सदस्यों में देखिए, यदि कोई किसी भी प्रकार के एडिक्शन में लगा हुआ है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये एडिक्शन क्यों आ रहा है, घर में ऐसी क्या चीज है, तो आप अपने घर को चेक करिए। यदि आपके घर में प्लांट्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगे हुए हैं तो ये एडिक्शन आ सकता है, या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भी ये अगर प्लांट्स आपने लगा रखे हैं तो ये एडिक्शन वाली जो प्रॉब्लम है आपकी इस वजह से आई है। तो वहाँ से प्लांटेशन अगर आपका है हटा दीजिए तुरंत। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भी यदि है और आपको टाइमली सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वहाँ से इनको हटा दीजिए, फिर देखिए इस एनर्जी फील्ड का कार्य, आपकी समस्या इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगी।